हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? सो जैसे कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी फेस के ग्लोइंग स्किन के लिए। एक्चुअली गाइज क्या है, मेरी बहुत सारी आंटीज ऐसी हैं, मम्मा की उम्र की जो लेडीज है ना, वो ऐसे हैं जो पार्लर जाना पसंद नहीं करते। उनको रहता है कि घर पे ही कुछ ऐसा हो जाए कि मैं पार्लर जाके फेशियल्स, ब्लीच, ये सब कुछ ना कराना पड़े। और आंटीज के जो पहले की जो टाइम की जो लेडीज होती थी ना, वो तो बिल्कुल भी पार्लर नहीं जाती थी, फिर भी उनकी स्किन काफी ग्लो करती थी क्योंकि वो नेचुरल चीजें यूज करते थे। आज के टाइम में भी तो हम नेचुरल चीजें यूज करके अपना ग्लो वापिस से पा सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हमें केमिकल लगा के फेस को अच्छा दिखाना है। अब करवा चौथ आ रहा है, तो लेडीज के लिए बेस्ट 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 फेशियल का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। फेशियल नहीं कहूंगी, फेस मास्क कहूंगी, फेस पैक कहूंगी। अगर आप एक हफ्ते तक लगातार यूज करते हो तो इसके रिजल्ट 200% आपको मिलेंगे। अगर रिजल्ट नहीं मिलते तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है 1% भी कि हाँ रिजल्ट नहीं मिला, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आपको पहले बता देते हैं कि हम किस फेस पैक की बात कर रहे हैं जो हम घर पर ही रेडी कर सकते हैं, और 7 डेज को इसे यूज कैसे करना है और क्या करना है। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं कि फेस पैक के लिए आपको लेना क्या क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें लेना है एक क्लीन बाउल के अंदर मुल्तानी मिट्टी। अब मुल्तानी मिट्टी क्यों लेनी है? मुल्तानी मिट्टी जो होती है स्किन को टाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपकी स्किन काफी लूज है ना, तो उसे स्किन टाइट करने में काफी हेल्प मिलती है मुल्तानी मिट्टी के यूज से। तो 1 चम्मच आप इसे ये ले लीजिए। जितने लोगों के लिए आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आप इसे मैन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है हनी। हनी जो होता है स्किन को स्मूथ करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, तो हनी आप इसमें जरूर ऐड करें। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स गुलाब जल। अब गुलाब जल जो होता है वो काफी अच्छा है, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी रहती है इसकी, और काफी स्किन के लिए ठंडक देने में काफी हेल्प करता है, तो वो आप जरूर इसमें ऐड करें। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं गाइस, बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नॉर्मल वाला कोकोनट ऑयल नहीं, वर्जिन वाला जो फेस पे भी आप यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक आप ले सकते हो कोई भी ब्रांड। मुल्तानी मिट्टी जो आप यूज करते हैं स्किन पे, जब फेस पैक में ऐड करते हो तो स्किन आपकी काफी ड्राई हो जाती है, तो इसी वजह से आप कोकोनट ऑयल थोड़ा सा जरूर डालें ताकि जो ड्राइनेस है ना वो खत्म हो जाए। तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालेंगे। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट होगा गाइस थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक का काम करती है और स्किन पे नेचुरल निखार लाने के लिए बहुत हेल्प करती है, तो हल्दी भी आप इसमें जरूर ऐड करें। आप इसमें चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, वो आप मैं स्किप कर रही हूँ। दही वाला जो फेस पैक है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है हमें। तो ये फेस पे लगाने के लिए एकदम रेडी हो गया है फेस पैक। अब इसे लगाते हैं, फेस पे अप्लाई करते हैं, और बिल्कुल इवन स्किन टोन में आप, इवन टोन में आपको इसको पूरे फेस पे, पूरे नेक पे अप्लाई कर लेना है अच्छे से, जैसे कि मैं कर रही हूँ वीडियो के अंदर। और उसके बाद इसे आप ड्राई करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से इसे आप इसे क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। बहुत ज्यादा फेस को रगड़ना नहीं है। उसके बाद बहुत ही जेंटली आपको फेस को स्क्रब सर्कुलर मोशन में ऐसे करते हुए इसको फेस पैक को निकाल लेना है। एंड उसके बाद का जो ग्लो है वो तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, बहुत ही प्यारा सा ग्लो आता है इसका। और मैंने आपको पहले ही बोला गाइस, अगर आप इसे लगातार 7 दिन तक यूज करते हैं तो आने वाला जो करवा चौथ है ना, उससे पहले पहले अगर आप इसे डेली लगाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और बहुत ज्यादा अमेजिंग वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, आप देखते रह जाएंगे। तो ऐसी रेमेडीज को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी आपको रेमेडीज देने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।